IVF के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं IVF के कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं कुछ मेजर साइड इफेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में आपको एक आईवीएफ साइकिल प्रोसीड कराने से पहले ज्ञान होना चाहिए माइनर साइड इफेक्ट्स में होते हैं जो इंजेक्शन यूज किए जाते हैं अंडे बनाने के लिए उससे रैश हो जाना एलर्जिक रिएक्शन होना इंजेक्शन साइट पे दर्द होना या रेडनेस होना इचिंग होना ये सब मामूली साइड इफेक्ट्स है और मेजर साइड इफेक्ट्स जिसके बारे में आप थोड़े वरिड हो सकते हैं वो होते हैं ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम क्या होता है उसके अंदर ये जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं ज्यादा अंडे बनाने के लिए इसी के कारण अंडादानी यानी ओवरीज का साइज बड़ा हो जाता है और ओवरीज का साइज बड़ा होने के साथ साथ पेट में पानी भरने की संभावना बढ़ जाती है पहले तो पेल्विक एरिया में पानी बढ़ता है और फिर पूरे पेट में पानी की वजह से डिस्टेंशन हो सकती है और इस साइड इफेक्ट से निपटने के लिए इसके इलाज के लिए ये ना हो इसकी प्रिवेंशन के लिए बहुत सारी टेक्निक्स आजकल अवेलेबल हैं तो आईवीएफ के प्रोसीजर को बहुत सेफ बनाया जा चुका है आईवीएफ में जो इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है वो प्रोटोकॉल चेंज करने से इसके होने की संभावना कम रहती है दूसरा ही ये बात होती है कि इंजेक्शन जो है जिसकी वजह से ये डायरेक्टली हो सकता है उसका ऑल्टरनेटिव इंजेक्शन अवेलेबल है मार्केट में उसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है तो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन होने के चांसेस कम रहते हैं और तीसरी चीज यदि एम्ब्रियोज बना के ब्रूड को उसी साइकिल में वापस ना डाला जाए और उस साइकिल में कोई एम्ब्रियो ट्रांसफर ना हो सारे एम्ब्रियोस को फ्रीज कर दिया जाए और किसी एक और साइकिल में जिसमें ओवरीज का साइज नॉर्मलाइज हो चुका हो तब एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाए तो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम की संभावना ना बराबर देखी गई